जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अस अन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की मोदी सरकार फिर से वापसी करने में कामयाब होगी, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ असर होगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं लोकसभा की सभी 543 सीटों और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में, किस राज्य में किसको कितनी बढ़त। एक एक करके जान लीजिए सभी राज्यों के ओपिनियन पोल के बारे में, क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से वापसी करने में कामयाब होगी या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दमन और दीव की। एक लोकसभा सीट है और एक ही लोकसभा सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के गठबंधन में जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर जीरो, आपके खाते में जीरो और अन्य को जीरो जीरो सीट। चंडीगढ़ की, जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें तो एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर काबिज हो सकती है। बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की दो लोकसभा सीटें हैं, दो में से एक पर एनडीए तो एक पर यूपीए, आप और अन्य का सुपड़ा साहब। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल सकती है। यूपी और आपके खाते में जीरो और अन्य को जीरो सीट। बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से पांच लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जनता की राय के अनुसार एनडीए के खाते में चार तो यूपीए के खाते में एक सीट, आपके खाते में जीरो और अन्य पार्टी को जीरो जीरो सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 में से 10 पर एनडीए गठबंधन, तो यूपीए को यहां पर एक लोकसभा सीट, वाईएसआर कांग्रेस यानी कि जगमोहन रेड्डी को यहां पर 14 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अदर पार्टी को यहां पर जीरो सीट पर सिमटकर रहना पड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, बात कर लेते हैं लोकसभा के अगले राज्य यानी कि गोवा की। जी हां दोस्तों, गोवा में दो लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोनों ही लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। यूपीए और आपके खाते में और अन्य को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का काफी अच्छा प्रदर्शन है, फिर भी यहाँ पर एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ सभी 7 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। आप और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है और अन्य का भी सुपड़ा साफ होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीटों में से एक पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन, यूपीए को यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 और आपके खाते में भी 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से 41 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 24 सीटें, यूपीए को यहाँ पर 3 सीटें, बाकी 14 लोकसभा सीटों पर अन्य पार्टी का यहाँ पर कब्जा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। 4 लोकसभा सीट है, सभी 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं 2022 के दिसंबर में जो रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का आया है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रह सकता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बने फिर भी यहाँ पर एनडीए गठबंधन का दबदबा हो सकता है। यूपीए और आपके खाते में जीरो अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 29 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन, यूपीए के खाते में एक सीट, आप और के खाते में जीरो और अन्य के खाते में यहाँ पर 10 सीटें यानी कि आरजेडी के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं एनडीए के खाते में यहाँ पर 29 सीटें, यूपीए को एक सीट, आपके खाते में जीरो, तो आरजेडी के खाते में यहाँ पर आरजेडी गठबंधन को यानी कि जेडीयू आरजेडी को सबको मिलाकर यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी ला सकती है अन्य यानी कि आरजेडी गठबंधन। पश्चिम बंगाल की, जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर टक्कर किसे देखी जाएगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, बाकी यूपीए आप को यहाँ पर सुपड़ा साहब यानी कि कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साहब, बाकी सभी 22 लोकसभा सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 25 में से 24 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, यूपीए खाते में जीरो, आपके खाते में जीरो और अन्य को एक सीट मिल सकती है।
लोकसभा की 543 सीटों में से 152 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 101, यूपीए खाते में 4, आपके खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 46 लोकसभा सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटें, 10 में से एनडीए खाते में 5, यूपीए खाते में 5, आप और अन्य का सुपड़ा साफ है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें, 39 में से एनडीए खाते में 20, यूपीए खाते में 15, आपके खाते में 0, अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती है। बाकी बात करें दादरा नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए खाते में जा सकती है, यूपीए आप और अन्य का सुपड़ा साफ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं, 48 में से यहाँ पर 35 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, 10 पर यूपीए यानी कि उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें मिल रही है। आपको यहाँ पर 0 सीट और अन्य को यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकसभा की सभी 543 सीटों में से 225 50 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 250 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन खाते में 162 लोकसभा सीटें जा सकती है, बाकी यूपीए खाते में 34 लोकसभा सीटें, बाकी आपके खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 54 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन, यूपीए और आपके खाते में 0। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं ओडिशा की 21 लोकसभा सीट है, 21 में से 9 पर एनडीए, यूपीए खाते में 3 और बीजेपी यानी कि बीजेडी खाते में 9 और अन्य को यहाँ पर 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दें ओडिशा की 21 लोकसभा सीट है, 21 में से 9 लोकसभा सीटों पर एनडीए, यूपीए खाते में 3 लोकसभा सीटें जा सकती है, बीजेपी यानी कि बीजेडी के खाते में 9 लोकसभा सीटें यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े यानी कि सीटों के लिहाज से देखा जाए तो देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार है और यहां पर बीजेपी को 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है। तो वहीं यूपीए के खाते में 0, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 14 सीटें, बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को 1 लोकसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं यूपी के बाद पांडिचेरी की, पांडिचेरी के 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर यूपीए। बाकी बात करें लोकसभा की 543 सीटों में से 353 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, जनता की राय के अनुसार एनडीए खाते में यानी कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी के खाते में यहाँ पर 236 सीटें, यूपीए खाते में 39 सीटें और अन्य के गठबंधन के खाते में 78 सीटें जा सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए खाते में जा सकती है, बाकी पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। असम राज्य की 14 लोकसभा सीट है, सभी 14 लोकसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन, यूपीए खाते में 0, आपके खाते में 0 और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं केरल की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से एनडीए का सुपड़ा साफ है, यूपीए खाते में 12 यानी कि कांग्रेस पार्टी को 12 लोकसभा सीटें और अन्य के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और यानी कि एनडीए गठबंधन, यूपीए के खाते में यहाँ पर यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 417 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 276 सीटें, यूपीए खाते में 55, आपके खाते में 0 और अन्य खाते में 86 सीटें जा सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट यूपीए यानी कि कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 2 लोकसभा सीटों पर है एनडीए, बाकी आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 11 लोकसभा सीट है, यूपी और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है यानी कांग्रेस पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटें, 28 में से 21 पर है एनडीए गठबंधन, तो यूपीए खाते में 4 और जेडीएस के खाते में 1 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए खाते में जा सकती है, यूपीए आप और अन्य का सुपड़ा साफ है। बाकी बात करें तो मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, यूपीए आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन का यहाँ पर कब्जा हो सकता है यानी कि बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, यूपीए आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से 9 लोकसभा सीटों पर एनडीए, यूपीए खाते में 2 लोकसभा सीटें, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से 5 पर एनडीए, यूपीए खाते में 1, टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी को यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों और अन्य खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है।
दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के यानी कि नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 26 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को सभी 26 की 26 सीटों पर क्लीन स्वीप के साथ बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। यूपीए आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 में से भी 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए यूपी और आपका सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से 10 पर एनडीए 2 पर यूपीए जेएमएम के खाते में 2 सीटें और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 4, यूपीए खाते में 1, आपके खाते में 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 363 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है। यूपीए खाते में 69 सीटें यानी कि कांग्रेस पार्टी को 69 सीटें मिल सकती हैं, आपके खाते में 11 और अन्य को 100 यानी कि 100 सीटों पर बढ़त मिल सकती है अन्य पार्टी को। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2024 में किसकी बनेगी सरकार। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।